भोपाल नाके पर फुटपाथ पर बैठे छोटे दुकानदारों पर बुधवार को आस्था एसडीएम विजय मंडलोई के निर्देश पर नगरपालिका और राजस्व की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण मुहिम चलाते हुए हटाया। बुधवार को भोपाल नाके पर फुटपाथ पर बैठे हुए छोटे दुकानदार को हटाने से शुरू हुई अतिक्रमण की मुहिम गुरुवार को कन्नौद रोड के रसूखदारों के अतिक्रमण के सामने टाई टाई फुस हो गई। इस दौरान भाजपा नेता पूर्व पार्षद कालू भट्ट ने फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले दुकानदारों का साथ देते हुए उनके साथ खड़े होते हुए अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर उंगली उठाते हुए कहा कि गुमटी वाले छोटे दुकानदार से ये मुहिम चालू होती है, जब बड़ी दुकानें आती हैं तब इस मुहिम को बंद कर दिया जाता है। या अधिकारी डरते हैं या बुराई लेना नहीं चाहते और प्रशासन के अधिकारी उन दुकानदारों को जेसीबी और बलपूर्वक हटा देते हैं, लेकिन बड़े और रसूखदार अतिक्रमण करने वालों तक प्रशासन के अधिकारियों की नजर नहीं पड़ती। कालू भट्ट ने प्रशासन के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर उंगली उठाते हुए अपनी ही भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और ये कहे कि इन भाजपा नेता ने अपनी सरकार के अधिकारियों के दोहरे चरित्र की पोल खोल दी है। भोपाल नाके के ऊपर था मेरी दुकान के ऊपर, वहाँ पे हम स्कूल के बाउंड्री खेत के पास में बैठे हैं, उसके बाद हमारे पास जगह बहुत सारी पड़ी है, नाली के अंदर है, उसके बाद भी हमारी जगह मतलब हटा दी गई घूमती। अच्छा, सरकारी भूमि है या आपकी निजी भूमि? सरकारी है सर, स्कूल अच्छा। की जगह उसमें बैठे हैं सर और बहुत जगह पड़ी हुई, उसके बाद भी हमें हटा दिया गया सब। तो हटा दिया तो क्या होगा, तो सरकारी भूमि हटाएंगे सर आप लोग? हटाना पर हम बैठे हैं, हमारे बच्चे बच्ची पाल रहा उसी से, 10,000 रुपये हमने लोन लिया, उस लोन का पेमेंट कहाँ से देंगे हम लोग, बस हट जाएंगे तो फिर अपन कोई जगह ही नहीं है ऐसी। मैं भाजपा और कांग्रेस की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन आम गरीबों और मजदूरों की तरफ से बात कर रहा हूं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। आज यह स्थिति बनी, आज भोपाल नाके से जो सुनने में आया कि अतिक्रमण चालू किया गया, मेरा यह कहने का मतलब है स्कूल विभाग की पहले से बाउंड्री वहाँ पर मौजूद है, स्कूल विभाग ने अपनी बाउंड्री वहाँ पर बना रखी, उसके बाद जो नाले के पार व्यापारी हैं जो छोटे मोटे धंधा करते हैं, चाहे वो गैरेज वाले हों, चाहे फल फ्रूट वाले हों, चाहे वो मजदूरी किसी प्रकार की मटका बेचते हों, लेकिन आज उनको हटा रहे हैं और बलपूर्वक हटा रहे हैं, उनकी गुंटी को तोड़ा जा रहा है, उनकी गुंटियों को हटाया जा रहा है, आप उनको नोटिस दीजिए। गुमटी या इस तरह की जो चीज़ें जो एकदम से रोड से लगी होती है, जो कई बार एक्सीडेंट के कारण होती है, तो उनको हटाने को लेकर जो कि वो ट्रैफिक में भी एक बड़ी दुविधा के रूप में आष्टा में ये चीज़ काफ़ी दिनों से महसूस की जा रही थी, पिछले 1.5-2 महीने से, क्योंकि सामने दिवाली का त्यौहार था तो उसको लेकर के कई थोड़ा सा लोगों के छोटे छोटे से रोजगार जुड़े हुए रहते हैं, तो उसको लेकर के वो कार्रवाई तब तक नहीं की, लेकिन अब उसको प्राथमिकता के विषय में लेकर के इनको कहाँ सेटल किया जा सकता है, फल वालों को कहाँ किया जा सकता है, सब्जी वालों को कहाँ किया जा सकता है, इस पर भी हम प्लान कर रहे हैं और इस पर भी कार्रवाई करेंगे। और ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो भी सामने आ रहा है सबके समान एक जैसी कार्रवाई की जा रही, कहीं कहीं चूँकि उसमें नगर पालिका अकेला नहीं है, थाने की टीम भी है, तहसीलदार साहब साथ में हैं, सभी लोगों से बात प्राथमिक रूप से तो हम उसको समझाइश के रूप में ही कर रहे हैं, कहीं हो सकता है छोटा सा व्यक्ति आदमी थोड़ा सा अपनी रोजगार को लेकर के ऊंचा नीचा हो जाता, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आष्टा से EMS TV के लिए दिनेश कुमार पवार की रिपोर्ट।